धमतरी जिले के सदर मुख्य चिकित्सालय के अस्थायी कर्मचारियों ने स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर पूरी जिलापाल को सौंपा ज्ञापन। इससे पहले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की थी कि अब राज्य में कोई भी अनुबंध नियुक्ति नहीं रहेगी। उड़ीसा के सभी अनुबंध कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा, लेकिन उड़ीसा के स्वास्थ्य अनुबंध कर्मचारी संघ के पूरी जिले के कर्मचारियों को स्थायी रोजगार नहीं दिया गया। पिछले 15 सालों से अधिक समय से बाढ़, साइक्लोन, कोविड समय पर उत्तम सेवा प्रदान करके विभिन्न सामाजिक संस्थान द्वारा पुरस्कृत हो चुके इन अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया गया, लेकिन इस साल 16 अक्टूबर को इन अस्थायी कर्मचारियों का मनोबल पूरी तरह से टूट गया, जब मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई लिस्ट में इन कर्मचारियों का नाम ही नहीं था। उड़ीसा सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के तहत काम करने वाले 10,000 से अधिक पैरामेडिक्स को इस लिस्ट में जोड़ा नहीं गया, लेकिन अन्य चिकित्सा विभागों में कार्यरत 57,000 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी लिस्ट में शामिल किया गया है। इसलिए संस्थान के अध्यक्ष तपन कुमार सामल एवं संपादक दुख श्याम पटनायक के नेतृत्व में सैकड़ों महिला और पुरुष कर्मचारियों ने पूरी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सामने अपनी मांगों को रखा और एक लिखित मांग पत्र सौंपा व वहां से पैदल मार्च निकालते हुए पूरी जिलापाल कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त जिलापाल को भी एक ज्ञापन सौंपा। दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए उड़ीसा के पूरी जिले से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। माइसेल्फ डॉक्टर सीमा स्वाई भाइस गड़ीसादा पीएससी एमओ आयुष डॉक्टर बर्तमान ये संघरे मु अच्छे वाइस प्रेसिडेंट। आजर कार्यक्रम विषय आम एम आस मानने बहुत दुखर सहित भी आम एकाठी कि बहुत आशा नहीं कि आम आसीचु जोटा कि नवीन सरकार एवं आम के 15 वर्ष 20 वर्ष भाई आम मानने ड्यूटी मानने आम कार्यरत अच्छु सब जिते दरकार पड़े स्वास्थ्य विभाग आज ओडा आदि आगे अच्छी आम नवीन बाबू जी आगे अच्छा स्वास्थ्य विभाग मेन तार मानने मैंने स्तंभ कहले अत्युक्ति हम ना आ स्वास्थ्य कहले आम मिशन एनएचएम अंदर जो मैंने अच्छा कर्मचारी मैंने जो स्वास्थ्य मानते भूसुड़ी पड़ मुझे कथा जिते एनएचएम आसी ना स्वास्थ्य अवस्था किसी भी नाला एनएचएम आसला पर आज आम स्वास्थ्य अवस्था बहुत उपर अच्छी जोटा कि नवीन बाबू हमको भूली जाइए एवं 16 तारीख से मैंने जो ठिका कर्मचारी उच्छेद कले आम बहुत खुशी होलु जो जहा हो आटलिस्ट तो 15 वर्ष कि 16 वर्ष पर आम कि खुशी गोटे न्यूज तो पाइल देख ला बेलू ताकि आम ना ना मैंने आमको सी भूली जाइए मैंने एनएचएम अच्छा भूली जाइए कि नवीन सरकार अंडर में जो मैंने वर्षे ते जॉइन करते हैं कि आम ही ना सेत दुखर सहित आमको समस्त आम लड़ूलु आम डाक्तर आम बड़े लड़ू फार्मासीस्ट ताइए लड़ुते मैनेजर स्टाफ तक संगे लड़ुते कितु आम देख लु कि नुह से एक एक करके रहा से टोटाली एनएचएम कर्मचारी को भूली गले जोटा कि मानदंड मैंने ओडिशा राज्य नवीन सरकार प्रथम अच्छा केवल स्वास्थ्य पाई स्वास्थ्य मानदंड हूँ आम एनएचएम जोटा कि भूली जाइए से एनएचएम कर्मचारी कौन करपारती आम तक देखे आसू आज आम आसूँ सी डीओ पा कह कलेक्टर का मेमोरांडम देव आम 20 तारीख भितर जी आम न करेंगे आम राजरास्ता को ओल्लू पूरा पेन डाउन कर ओडिशा स्वास्थ्य विभाग ठिका कर्मचारी महासंघ पुरी ब्रांच संपादक दायित्व अच्छी आपण मैंने जानते मो ना दुखी श्याम पटनायक आपण मैंने जानते जे विगत किछि दिन तले माननीय मुख्यमंत्री जे ओडिशा को सुशासन प्रदान करशार नवनिर्वाचित बोली कहते द्वारा ओडिशार कौन कर्मचारी आ ठिकार कर्म करेंगे ना बोली एक ऐतिहासिक निष्पत्ति ने सुशासन में आम भाई किसी ठिका कर्मचारी जो मैंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ओडिशा स्टेट एड कंट्रोल सोसाइटी एवं आयुष इत्यादि विभाग में अनेक गुड़े कर्मचारी एपर्यंत भी 15 वर्ष ऊर्ध दिन काम करते एपर्यंत ठिकादारी सेवा समाप्त होना तेणु आम मैने एक कर्मचारी आंदोलन में परिणत करूँ एवं आगामी दिन में आम सरकार को आवेदन नवेदन करुच्छू जे आमर ये ठिका कर्मचारी जो मान्यता ताकू सबुदिन बंद करमक स्थायी निजुक्ति प्रथा प्रचलन करें समस्ते स्वास्थ्य विभाग के पाखापाखि 15-20 वर्ष अधीन अति उन्नत मान सेवा प्रदान करूँ जदि सरकार आम आशा रखीचु जे माननीय मुख्यमंत्री जे ओडिशा को चलाउं दीर्घ दिन धरी शासन व्यवस्था अच्छा अति सुशासन व्यवस्था आम आशा रखुचु जे आमर
ଏହି ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପ୍ରତି ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଏ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇପାରିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହାଦ୍ୱାରା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।